नमस्कार, सीसी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। गत वीडियो में हमने बात की थी अवलोकन के अर्थ के बारे में। मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से, आज इस वीडियो में उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए बात करूंगी अवलोकन के प्रकारों के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के विषय में। अवलोकन को एक विश्वसनीय और वैज्ञानिक विधि की एक महत्वपूर्ण प्रविधि माना गया है। प्राकृतिक विज्ञानों की अगर बात करते हैं तो उसकी शुरुआत ही अवलोकन से हुई है, और जब हम समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान की बात करते हैं तो वहां भी हम अवलोकन को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वर्तमान समय में सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर प्रत्यक्ष और वैज्ञानिक रूप से तथ्यों की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने में और तथ्यों का संकलन करने में इसे, यानी अवलोकन को, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सामाजिक अनुसंधान में, या अनुसंधान चाहे प्राकृतिक हो या फिर सामाजिक हो, तथ्य संकलन के लिए अवलोकन का प्रयोग लंबे समय से किया जाता रहा है। क्योंकि सामाजिक घटनाएं विविध होती हैं और जटिल प्रकृति की भी होती हैं, इसीलिए सभी प्रकार की घटनाओं का अवलोकन के द्वारा अध्ययन भले ही किया जाता है, लेकिन एक ही प्रकार से अवलोकन नहीं किया जाता है। इसीलिए अवलोकन का वर्गीकरण किया गया और इसे विभिन्न प्रकारों में बांटा गया। इसमें अगर हम बात करें अवलोकन के प्रकारों की, तो अवलोकन के प्रकारों के अंतर्गत इसे हम महत्वपूर्ण रूप से अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन के रूप में देखते हैं। अनियंत्रित अवलोकन को भी फर्दर, यानी आगे, सहभागी अवलोकन के रूप में, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन के रूप में वर्गीकृत किया गया, जबकि नियंत्रित अवलोकन को घटना पर नियंत्रण और अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण के रूप में विभक्त किया गया। इन सभी अवलोकन के प्रकारों के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अनियंत्रित अवलोकन, जैसा कि नाम अपने आप में ही स्पष्ट है, अनियंत्रित यानी जिस पर नियंत्रण नहीं है, अनकंट्रोल्ड। इसमें अवलोकनकर्ता घटनाओं का ज्यों का त्यों अध्ययन करता है, उन पर बिना किसी प्रकार का नियंत्रण स्थापित किए हुए उनका निरीक्षण करता है और तथ्यों का आलेखन करता है। यूं कहा जाए कि वास्तविक रूप में अवलोकन का प्रयोग यही है तो गलत नहीं होगा। ये अन्वेषणात्मक अध्ययनों में बहुत अधिक प्रचलित होता है। अवलोकन प्रविधि को व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो अनियंत्रित अवलोकन ही उपयोगी है, क्योंकि इससे वास्तविक सामाजिक व्यवहार और घटनाओं का अध्ययन संभव होता है। इसलिए लंबे समय से अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग समाजशास्त्र में या सामाजिक अनुसंधान में देखने को मिलता है। इसकी तीन प्रमुख श्रेणियों के बारे में भी हम बात करते हैं। पहली है सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, दूसरी है असहभागी यानी नॉन पार्टिसिपेंट, और तीसरी है अर्धसहभागी यानी क्वासी पार्टिसिपेंट। पहले बात करते हैं सहभागी अवलोकन की, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि सहभागिता दिखाना, पार्टिसिपेशन करना। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग लिंडमैन ने 1924 में अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में किया था। इसमें निरीक्षणकर्ता बिना अपना रहस्य और उद्देश्य प्रकट किए बिना समूह का सदस्य बनकर समूह के वास्तविक व्यवहार का अवलोकन करता है। अवलोकनकर्ता जिस समूह का अध्ययन करना चाहता है, उस समूह के बीच में जाके, वहां के लोगों के बीच में जाकर के, बिना अपने वहां जाने का उद्देश्य प्रकट किए हुए, रहस्यों का उद्घाटन किए हुए कि वो वहां क्यों है, उनका अध्ययन करता है। और जाहिर सी बात है कि इस प्रकार से किसी भी समूह का सदस्य बनना सरल नहीं होता, तो इसलिए वो किसी ऐसी भूमिका के रूप में उस सामाजिक समूह का सदस्य बनता है जिससे कि उसकी उपस्थिति से
लोगों के वास्तविक व्यवहार प्रभावित ना हो। वो या तो इतिहासकार के रूप में जा सकता है, सरकारी कर्मचारी के रूप में जा सकता है, गुमक्कड़ यात्री के रूप में जा सकता है, कोई भी ऐसा रूप अपना करके अध्ययनकर्ता अपने अवलोकित समूह के बीच में जा करके रहने लगता है, जिससे कि लोग अपना सामान्य व्यवहार करते रहे और वो अपने अध्ययन की विषय वस्तु वहां से प्राप्त करता रहे। एंडरसन मैलिनोवस्की ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने इसका प्रयोग अपने अध्ययन में किया। कुछ परिभाषाओं की बात करें तो पीवी यंग के अनुसार सामान्यतया अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता उस समूह के जीवन में ही रहता है और भाग लेता है जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है। लुंडबर्ग कहते हैं इसमें अवलोकनकर्ता अवलोकित सामाजिक समूह से यथा संभव घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, अर्थात वे समूह वे समुदाय में बस जाता है और उनके दैनिक जीवन में भाग लेता है। इस प्रकार से पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या सहभागी अवलोकन किया जाता है। सहभागी अवलोकन के गुणों पर हम प्रकाश डालें तो इससे विस्तृत सूचनाएं प्राप्त करना संभव हो सकता है, क्योंकि अध्ययनकर्ता अवलोकनकर्ता स्वयं समूह के बीच में जाकर के रहता है, समूह का सदस्य बन के रहता है और इस प्रकार से समूह का सदस्य बनता है जिससे कि उस समूह के लोगों का व्यवहार प्रभावित ना हो और वो सामान्य रूप से ही अपना व्यवहार करते रहें। तो इस प्रकार से सूक्ष्म और गहन अध्ययन और विस्तृत जानकारी उस समूह की अध्ययनकर्ता सहभागी अवलोकन के द्वारा प्राप्त कर सकता है। इसमें प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाता है, क्योंकि वह स्वयं उपस्थित है, अध्ययनकर्ता स्वयं उपस्थित है, तो विषय से संबंधित अपने अध्ययन का जो उसने विषय का चुनाव किया है, समस्या का जो चुनाव किया है, उसके अनुरूप वह वहां से तथ्य संकलन कर सकता है। और चूंकि सदस्य समूह का बन जाने के कारण वास्तविक व्यवहार का अध्ययन कर पाना संभव होता है और शायद इसी कारण से इसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है और इसमें सत्यापनशीलता की भी संभावना रहती है। लेकिन साथ ही साथ इस सहभागी अवलोकन के कुछ दोष या सीमाएं भी हैं। पूर्ण सहभागिता संभव नहीं। यह बात आप और हम जानते हैं कि चाहे किसी भी रूप में जाने का कोई व्यक्ति या अध्ययनकर्ता प्रयास करता है कि वह समूह का सदस्य बनकर के रहे, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाए या कई बार लोग उसे स्वीकार नहीं करें, तो ऐसे में पूर्ण सहभागिता संभव नहीं हो पाती। और यदि ऐसा नहीं होता कि पूर्ण सहभागिता हो तो समूह के व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। समूह के लोग कॉन्शियस होकर के, अवेयर होकर के कि उनका अध्ययन किया जा रहा है, इससे भी उनका व्यवहार प्रभावित हो जाता है। अत्यधिक खर्चीली प्रणाली के रूप में भी इसे जाना जाता है, क्योंकि एक समय तक अध्ययनकर्ता उस समूह के बीच में रहता है, लोगों के बीच में रहता है, तो वहां का सदस्य बनते हुए उसका खर्चा अधिक हो, अध्ययन के लिए भी उसे प्रयास करना होता है, इसीलिए इसे अत्यधिक खर्चीली प्रणाली भी माना जाता है। चूंकि ऐसे में तथ्य संकलन शीघ्र नहीं हो सकता, समूह का सदस्य बनकर के, लोगों के बीच रह करके, उनकी दैनिक गतिविधियों में भाग लेकर के जब अध्ययन किया जाता है तो वह अध्ययन धीमा कहलाता है और अपनी गति से होता है। इसमें आलेखन की समस्या भी देखने को मिलती है। यदि अध्ययनकर्ता किसी तरह से पक्षपात से ग्रसित है तो वह भी इस प्रकार का तटस्थ आलेखन नहीं कर सकता। और भूमिका सामंजस्य की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है अध्ययनकर्ता को, क्योंकि वह एक तरफ उस समूह का सदस्य है जहां उसे यह प्रदर्शित करना है कि वह अवलोकन नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ अवलोकनकर्ता के रूप में उसे अवलोकन करके उन बातों को लिखना है, तो ऐसे में भूमिका सामंजस्य की कठिनाई उसके सामने प्रकट हो सकती है। बात करें असहभागी अवलोकन की तो इसके अंतर्गत अवलोकनकर्ता समूह में उपस्थित रहते हुए भी समूह के जीवन में भाग लिए बिना एक तटस्थ दर्शक के रूप में निरीक्षण करता है। सहभागी अवलोकन में वह सक्रिय सदस्य बनता है समूह का, लेकिन असहभागी अवलोकन में
वह दूर रह करके तटस्थ रह करके दर्शक के रूप में एक समूह का अध्ययन करता है। पीएच मन के अनुसार असहभागी अवलोकन वह प्रणाली है जिसमें अवलोकनकर्ता व्यक्तियों से छिपा होता है और वे व्यक्ति जिनका की निरीक्षण किया जा रहा है प्राकृतिक रूप से अपना व्यवहार करते रहते हैं। इस प्रकार यह अवलोकन स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से सूचना संकलन करने में सहायता प्रदान करता है। इसीलिए असहभागी अवलोकन को विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि यहाँ संभावना ही नहीं है कि लोग यह जान सके कि वो जो व्यक्ति समूह में आया है अध्ययन करने के लिए वह उनका अध्ययन कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, क्योंकि वह सहभागिता प्रदर्शित नहीं कर रहा है। अवलोकनकर्ता असहभागी है, एक तटस्थ रूप में समूह का अध्ययन कर रहा है, दूर रह के कर रहा है, तो यहाँ विश्वसनीयता की अधिक संभावना होती है। साथ ही वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर पाना भी अध्ययनकर्ता के लिए संभव हो सकता है। क्योंकि लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं, इसलिए लोगों का सहयोग और सहानुभूति भी अवलोकनकर्ता प्राप्त करता है, जिससे कि समय और धन की अधिक बचत होती है जब एक अध्ययनकर्ता असहभागी अवलोकन का प्रयोग करता है। लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। असहभागी अवलोकन का प्रयोग करते समय गहन अध्ययन में इस प्रकार का अवलोकन संभव नहीं है, क्योंकि गहन अध्ययन के लिए सहभागिता आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति समूह में सक्रिय इतनी गंभीरता से जुड़ सकता है तभी ये संभव है कि वो गहन अध्ययन करे। इसलिए असहभागी अवलोकन में गहनता से अध्ययन कर पाना संभव नहीं होता। इसी कारण से अस्वाभाविक व्यवहार का भी अध्ययन हो पाता है, क्योंकि व्यक्ति ये नहीं जान करके अपना व्यवहार कर रहा है कि उसके व्यवहार का अध्ययन है, तो कई बार वे अस्वाभाविक व्यवहार भी करता है, जिससे कि अवलोकनकर्ता के लिए मुश्किल हो जाता है वास्तविक रूप से तथ्यों का संकलन करना। संपूर्ण असहभागिता भी संभव नहीं होती है। कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता का प्रदर्शन अगर अवलोकनकर्ता के द्वारा हो जाता है तो वह असहभागी अवलोकन नहीं रह पाता और विश्वसनीय सूचनाओं को भी इस प्रकार से संकलित कर पाना संभव नहीं होता। यह असहभागी अवलोकन के दोष है। इसीलिए सहभागी अवलोकन के भी अपने गुण और दोष और असहभागी अवलोकन के भी अपने गुण और दोष हैं। तो किसी भी अध्ययन को पूर्णतया सहभागिता के संग या पूर्णतया असहभागिता के संग कर पाना, अवलोकन के संग कर पाना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए गुडे और हैट ने दोनों के मध्यवर्ती मार्ग के रूप में अर्ध सहभागी अवलोकन की बात करी है। इसमें अध्ययनकर्ता समूह के दैनिक कार्यों में तो सहभागी बनता रहता है, लेकिन किसी विशेष उत्सव, घटना, क्रिया एवं समारोह के अवसर पर दूर बैठकर उनका अध्ययन करता है। जब हम किसी समूह के विशिष्ट व्यवहारों और सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करना चाहते हैं तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। लोक गाथाओं के बारे में, सांस्कृतिक जीवन के बारे में, लोक कथाओं के बारे में ही वह माध्यम है जब हम अर्ध सहभागी अवलोकन का प्रयोग करते हैं, यानी दूर बैठकर के भी अध्ययन करते हैं और समूह का सदस्य बनकर के भी अध्ययन करते हैं। तो गुडे और हेट ने सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन के दोनों के बीच का मध्यम मार्ग निकाला और इस मध्यवर्ती मार्ग को उन्होंने अर्ध सहभागी अवलोकन के नाम से स्पष्ट किया, जिसके अंतर्गत दोनों के ही यानी सहभागी अवलोकन के और अर्ध सहभागी अवलोकन के गुण और दोष देखने को मिलते हैं। इसलिए अध्ययनकर्ता के लिए ये आवश्यक है कि वह अवलोकन के प्रकारों की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करे कि उसे अपने अध्ययन के लिए किस प्रकार के अवलोकन की आवश्यकता है, जिससे कि वह तटस्थ रह करके विश्वसनीय तथ्यों का संकलन करके अपने अध्ययन को वैज्ञानिक दिशा प्रदान कर सके। अनियंत्रित अवलोकन की तीन श्रेणियों के बारे में बात करने के बाद, यानी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सहभागी अवलोकन, नॉन पार्टिसिपेंट असहभागी अवलोकन और क्वासी पार्टिसिपेंट यानी कि अर्ध सहभागी अवलोकन के बारे में बात करने के बाद, अब हम बात करते हैं नियंत्रित अवलोकन की यानी कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की।
इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं या घटना पर नियंत्रण योजनाबद्ध रूप से स्थापित कर सकता है या रखता है। यह वास्तविक स्थिति एवं प्राप्त सामग्री के बीच की भूमिका निभाता है, इसलिए इस विधि में तटस्थता बनी रहती है और तथ्यों का सत्यापन सरल रहता है। नियंत्रित अवलोकन में या तो अध्ययनकर्ता घटना पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है या स्वयं पर अपना नियंत्रण स्थापित करके अध्ययन को दिशा प्रदान करता है। नियंत्रित अवलोकन में निम्न बातें स्पष्ट की जाती हैं। इसमें इकाइयां स्पष्ट रूप से परिभाषित होती हैं, ताकि किसी प्रकार का भी द्वैत ना हो कि इस इकाई का अर्थ क्या है। अवलोकन से संबंधित तथ्यों का चुनाव किया जाता है। अवलोकन से संबंधित दशाओं, व्यक्तियों, समय और स्थान का निर्धारण किया जाता है। सूचियों को लेखबद्ध किया जाता है और अवलोकन में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों जैसे फोटोग्राफ, नक्शे, टेप रिकॉर्डर आदि का निर्धारण किया जाता है। इन सब का प्रयोग करके अध्ययनकर्ता नियंत्रित अवलोकन में आगे बढ़ता है। जब वह घटना पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की बात रखने का प्रयास करता है, तो उसके अंतर्गत जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान में प्रयोगशाला में कंट्रोल सिचुएशन में ऑब्जर्वेशन किया जाता है, तो वह सामाजिक रूप में भी प्रयास किया जाता है कि घटना पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। हालांकि यह कठिन है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं परिवर्तनशील हैं, जटिल हैं, लेकिन फिर भी किसी मनोवैज्ञानिक स्तर पर अध्ययन करने में इस प्रकार के अवलोकन का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं यदि हम स्वयं पर नियंत्रण की, तो उसमें भी अध्ययनकर्ता को प्रयास करना होता है कि वह तटस्थ रह के, पक्षपात रहित रह करके स्वयं पर नियंत्रण स्थापित करके तथ्यों का संकलन करे। हालांकि नियंत्रित अवलोकन के भी अपने गुण और सीमाएं हैं, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं कि तथ्यों का संकलन करना, नियंत्रित होना, नियंत्रित परिस्थितियों में करना सरल नहीं है, लेकिन जब भी इस प्रकार का प्रयास किया जाता है तो जो तथ्यों की प्राप्ति होती है उससे हमें वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है। अवलोकन के एक और प्रकार की बात करते हुए अब हम बात करते हैं सामूहिक अवलोकन की, मास ऑब्जर्वेशन की। इसमें अध्ययनकर्ता किसी एक व्यक्ति द्वारा, अध्ययन कार्य जो है वो किसी एक व्यक्ति द्वारा या अध्ययनकर्ता एक नहीं होता उसके अंतर्गत, बल्कि विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का एक समूह के द्वारा सामूहिक अवलोकन किया जाता है। इसमें अवलोकन का कार्य कई व्यक्तियों द्वारा एक साथ किया जाता है तथा सभी के कार्यों का बंटवारा होता है और उनके कार्यों का समन्वय एक केंद्रीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। 1937 में इंग्लैंड के लोगों के स्वभाव, विचार और जीवन के अध्ययन हेतु और 1944 में जमैका की स्थानीय दशाओं के अध्ययन हेतु इस विधि का प्रयोग किया गया। चूंकि इसमें विशेषज्ञों की एक टीम रहती है, इसलिए यह अधिक खर्चीली विधि है और इसमें कुशल प्रशासन की भी आवश्यकता होती है, अतः इस विधि का प्रयोग किसी एक व्यक्ति के बजाय सरकारी या अर्ध सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है। इसीलिए सामूहिक अवलोकन का भी प्रयोग समाजशास्त्र में या सामाजिक अनुसंधान में किया जाता है, क्योंकि इसमें अधिक विज्ञानों की आवश्यकता, विद्वानों की आवश्यकता है, विशेषज्ञों की आवश्यकता है, इसीलिए इसे खर्चीली विधि भी माना जाता है। इन सब बातों के आधार पर ये तो कहा जा रहा है कि अवलोकन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है, विश्वसनीय है, लेकिन फिर भी कई बार अवलोकन को लेकर के कई बातें उसकी विश्वसनीयता पर खड़ी होती हैं, जैसे कि ज्ञानेंद्रियों की अपनी सीमाएं हैं। हर बात चूंकि अवलोकन में नेत्रों द्वारा ही देखी जाती है, अध्ययनकर्ता के द्वारा, कानों द्वारा सुनी जाती है, स्वयं उसके द्वारा, लेकिन इनकी भी अपनी सीमाएं हैं, इसीलिए विश्वसनीयता के पैमाने पर ज्ञानेंद्रियों की सीमाओं को लेकर के भी अवलोकन पर प्रश्न रहता है। व्यवहार की कृत्रिमता भी इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है, इसलिए कई बार अवलोकनकर्ता इस बात के प्रति सावधान अगर नहीं रह पाता है कि अध्ययनकर्ता का व्यवहार, अवलोकन जिसका कर रहा है वो,
उस अवलोकित समूह के लोगों का व्यवहार अध्ययनकर्ता के प्रति कृत्रिम है तो वह भी तथ्यों का संकलन वास्तविक रूप से नहीं कर सकता। कई बार निरीक्षणकर्ता का स्वयं का भी पक्षपात अध्ययन को प्रभावित करता है और यह भी देखा जाता है कि यदि संपूर्ण घटना के नहीं बल्कि उसके अंशों पर अध्ययन किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, तब भी संपूर्ण रूप से तथ्यों का संकलन कर पाना संभव नहीं होता। इसीलिए अवलोकन की विश्वसनीयता पर जो प्रश्न उठते हैं उन्हें दूर करने का प्रयास इन उपायों के द्वारा किया जाता है। विस्तृत अवलोकन की योजना बनानी चाहिए। अवलोकन चूंकि नेत्रों द्वारा किया जाता है, लेकिन यदि इसके लिए भी अध्ययन कार्य करने से पूर्ण योजना बना ली जाए कि किस प्रकार से तथ्यों का संकलन करना है, कहां से करना है, किस प्रकार करना है, तो अवलोकन का प्रयोग सफलता यकीनन दिलाता है। इसमें यदि अवलोकनकर्ता अवलोकन अनुसूची का प्रयोग करता है तब अधिक कठिनाई का सामना नहीं होता, क्योंकि इसमें अवलोकनकर्ता अवलोकन अनुसूची अपने संग लेके रखता है, देख करके प्रश्न पूछ करके उनके उत्तरों को जब भरता है तो कोई बात छूट ना जाए, इस बात का जो भय उसके मन में रहता है वो नहीं रहता। प्राकल्पना का निर्माण हो जाने के कारण भी अवलोकन को दिशा मिलती है। इससे अध्ययनकर्ता का भटकाव इधर उधर नहीं हो करके बल्कि किस दिशा में उसे तथ्यों का संकलन करना है, किस प्रकार से करना है, इसी दिशा में उसका प्रयास रहता है। और वैज्ञानिक यंत्रों का भी प्रयोग इस दिशा में सहायता प्रदान करता है, जैसे कि टेप रिकॉर्डर, फिल्म, इनके द्वारा कोई चीज अगर व्यक्ति भूल जाता है अध्ययनकर्ता, तो वह इनका प्रयोग करके भी अपने लिए तथ्यों का संकलन कर सकता है। इस प्रकार से समाज शास्त्र में, सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन के महत्व को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अवलोकन की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए अध्ययनकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह संपूर्ण योजना को प्रभावी रूप से अध्ययन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व बना ले और उसी के अनुरूप ही दिशा देके अध्ययन को आगे बढ़ाए। अनुसूची का प्रयोग करके तथ्यों का संकलन विश्वसनीय रूप से करे ताकि महत्वपूर्ण तथ्य कहीं छूट न जाए। और चूंकि प्राकल्पना का निर्माण इस दिशा में सहायता प्रदान करता है, तो अध्ययनकर्ता इस बात का विशेष ध्यान रखे कि वह प्राकल्पना का निर्माण प्रारंभ में ही कर ले ताकि उसका अवलोकन व्यर्थ ना जाए। अवलोकन उसी दिशा में किया जाए जिस दिशा में प्राकल्पना का निर्माण किया गया हो। वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग इस दिशा में विशेष सहायता प्रदान करता है, क्योंकि उनके द्वारा वैज्ञानिक रूप से तथ्यों का संकलन कर पाना संभव हो पाता है। इस प्रकार से अवलोकन के जो प्रकार हैं, चाहे वह सहभागी, असहभागी, अर्धसहभागी हो, जिसे हमने सहभागिता के आधार पर वर्गीकृत किया है, और चाहे वह नियंत्रित अवलोकन हो जिसमें घटना पर नियंत्रण या अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण की बात कही गई है, या सामूहिक अवलोकन की बात हो जिसमें विशेषज्ञों की एक टीम किसी भी एक विषय पर अध्ययन करती है, उन सभी अवलोकन के प्रकारों के अपने गुण और दोष हैं। अध्ययनकर्ता इस बात को ध्यान में रखे कि इन गुण और दोषों में उसे किस प्रकार से सावधानी पूर्वक अपने अध्ययन के लिए वास्तविक तथ्यों का संकलन करने के लिए अवलोकन का प्रयोग करना है। अवलोकन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है तथ्य संकलन में, जिसका प्रयोग सामाजिक अनुसंधान में किया जाता है। इसीलिए अनुसंधानकर्ता पक्षपात रहित होकर के तथ्यों का संकलन करने में अवलोकन विधि का प्रयोग करें, जिससे कि इसके द्वारा व्यवस्थित तथ्यों का संकलन किया जाए और उन तथ्यों के संकलन से वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति करके अनुसंधान को, सामाजिक अनुसंधान को सफलतापूर्वक संपन्न किया जाए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक अध्ययनकर्ता को अवलोकन का अर्थ पहचानने के बाद अवलोकन की दिशा का निर्धारण करते हुए अवलोकन के प्रकारों की जानकारी लेकर के अध्ययन कार्य को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना चाहिए।